तो आप ही बज रहे सुबह का 6, और 6 बजे उठते ही मैं पहले अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करूँगी। तो मैंने इंडक्शन में गर्म करने पानी दे दिया है और पानी गर्म हो गया है, और अभी मैं पी के फिर अपना दिन का शुरुआत होता है मेरा रेगुलर एक गिलास गर्म पानी से। और इसमें मैंने एप्पल साइडर विनेगर या लेमन हनी डाल के पी लेती हूँ, लेकिन मेरा गला 2 दिन से बहुत ख़राब है, इसी वजह से इसमें कुछ नहीं डाला, ऐसे ही गर्म पानी पीऊँगी। और उसके बाद आज मैं डीप क्लीनिंग करूँगी अपना किचन का, तो इसीलिए आज जल्दी उठा। वैसे मैं 6-7 बजे तक उठी जाती हूँ, 6 बजे ही उठती हूँ रेगुलर, क्योंकि मैं उठ के फिर आधा घंटा योगा करती हूँ और उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ, जो भी सुबह का काम होता है। और आज तो डीप क्लीनिंग करना है, तो इसीलिए मैंने सुबह उठ के ही पहले यही काम करूँगी, क्योंकि जॉय मेरे हेल्प कर रहा है, वो 8 बजे चला जाता है, तो इसीलिए उस जाने से पहले वो मेरा थोड़ा हेल्प करेगा, तो इसी वजह से ऊपर ऊपर का वो थोड़ा सा क्लीनिंग करके जा रहा है और नीचे का सब मैं ही करूँगी। तो उसके साथ ही मैं ही कर रही हूँ दोनों मिल के ही, क्योंकि अकेला काम करना बहुत ही टाइम भी लग जाता है और कोई हेल्प करता है तो जल्दी हो जाता है, तो ऊपर का वो तो कर दिया है और अभी मैं नीचे का सारे अभी करूँगी क्लीन। तो अभी ऊपर का ही चल रहा है, तो ऊपर का सारे कैबिनेट मैंने खाली कर लिया है और उसके अंदर से देखो सब मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से। तो ये सब क्लीन करने के लिए मैंने थोड़ा गर्म पानी में सोडा या ये थोड़ा सा विनेगर और जो डिश वॉश वो होता है ना डिश, वो डाल दिया है लिक्विड डिश वॉश, वो डाल के फिर ये सब क्लीन किया है। इससे ना बहुत बढ़िया चमक जाता है और चिमनी वगैरह का जो चिकनाहट है तेल जम जाता है ना वो भी हट जाता है। और ये जो वॉल पे भी मैंने वही उसी से ही क्लीन किया है, क्योंकि वॉल पे गंदा हो जाता है बहुत अभी ज़्यादा। देखो एटासी की देख रहा, देखने वाले क्या चीज़ है। देखो ये काला सा डिब्बा दिख रहा है ना, तो इसमें क्या है अभी दिखाती हूँ। ये देखो कितना शाइन कर रहा है स्पून सेट, और ये स्पून सेट मेरे पास था पता ही नहीं है। अब किचन इतना दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था डिप क्लीन, अब सब बाहर निकला तो समझ में, इतना बढ़िया स्पून सेट भी है घर पे और इतना शाइनिंग कर रहा है। देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये सेट है। ये देखो इसका लागेस की तरह कंपनी है इसका डब्बा, और ये श्री फॉर एंड शैम बेटर होम्स इसी कंपनी का है क्या ये। डब्बा है ये, इस डब्बे को देख के गद्दा गद्दा लग रहा मैंने है। सोचा क्या है ये, अब जाके खोला तो देखा स्पून है। मैं सोचा ये कब से पड़ा था किचन में पता ही नहीं दो है। चम्मच गायब है, हाँ, यहाँ से 2 चम्मच गायब है। कोई निकाल के ले गया हमारे घर से। इतना सुंदर सेट्स अभी तक निकाला नहीं, अब दिवाली पे इसका यूज होगा। ये मेरा किचन का लुक अभी ऐसा पड़ा है, देखो सड़ चुका है पूरा किचन, अभी सड़ेगा और सामान निकलेगा इधर उधर, तो यह सब क्लीन करने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। ऊपर का क्लीनिंग तो हो गया है और जॉय आधा करके गया है, ऊपर का मैंने आधा किया है, बाकी अभी ये नीचे का सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा, अभी सब डीप क्लीन होगा। एक एक चीज को चमकाना है दिवाली से पहले। देखो तो घर का अभी ये हाल हो रहा है, मतलब किचन का। चलो अभी चाय पी लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जय फैमिली ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड, आज सुबह से मैं लग रही हूँ किचन डीप क्लीनिंग में, तो 6 बजे से लगी हूँ और अभी थोड़ा चाय बना के बैठी हूँ, चाय लेके, क्योंकि चाय पी के एनर्जी बढ़ा के फिर से काम करना है और अभी बहुत टाइम लगेगा, तो पहले चाय पी लेती हूँ और चाय पी के फिर से काम स्टार्ट।
देखो ये सारे किचन का सामान धो धो के दिया पे रख दिया है धूप में सारे डब्बों को। तो ये सारे डब्बे अभी अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने क्लीन किया है और सब अभी धूप में डाल दिया है ताकि जल्दी सूख जाए। तो ये है मेरा किचन है। तो किचन के यहाँ पे ये देखो एक दरवाजा है बाहर का और यहाँ पे धूप आते हैं। अभी सर्दी में ना पहले यहाँ पे धूप आते हैं सुबह सुबह का। तो सारे यही पे रख दिया है मैंने धो धो के ताकि जल्दी सूख जाए। अभी किचन क्लीन हो रहा है तो कॉकरोच का भी कुछ करना पड़ेगा। तो कॉकरोच मारने के लिए ये देखो ये मैंने लिया है मॉर्टिन का ये लाल हीट। ये देखो इससे अभी मैं करूँगी सारे कॉकरोचों का विनाश। तो देखना अभी कॉकरोच निकल के बाहर आ जाएगा अगर इसमें हो तो। जो भी अंडा वंडा दिया है ना सब बाहर आ जाएगा मर भी जाएगा छोटे छोटे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो बाहर आ रहा है कॉकरोच। देखो हर हफ्ते में कॉकरोच का ये स्प्रे मारना ही पड़ता है लेकिन फिर भी ये कॉकरोच पता नहीं कहाँ से आता है। जितना छोटे छोटे डब्बे हैं वो सब यहाँ पे क्लीन करके रख दिया है। यहाँ पे थोड़ा धूप आ रहा है तो जल्दी सूख जाएगा। तो काम कर करके थक चुकी हूँ और अब थोड़ा सा पेट पूजा कर लेती हूँ। तो इसमें मसाला वाला काजू है बहुत टेस्टी लगता है तो इसको खा के एनर्जी बढ़ा लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखो ये मेरा हस्बैंड का है। हस्बैंड ऐसे ऐसे खाते रहते हैं। और अभी सिमनी का बारी है। देखो सिमनी का ये लुक है। तो अभी इसको खोल लिया है सारा जाली वगैरह। अभी क्लीन कैसे करती हूँ दिखाती हूँ। तो तेल देखो कैसे जमा पड़ा है। बाकी सब क्लीन हो गया है। तो चिमनी का भी ये पार्ट क्लीन करते हैं। चिमनी एकदम चकाचक। ये देखो अभी ये चिमनी क्लीन हो रहा है। ये तो क्लीन करके रख दिया है और इसमें गर्म पानी में डाला है विनेगर और सोडा और गर्म पानी। तो इसमें अभी ये क्लीन हो रहा है। तो मैं ऐसे चिमनी क्लीन करती हूँ। ये देखो एकदम क्लीन दिख रहा है ना। तो यह तो पहले से क्लीन हो गया और इसको अभी क्लीन कर रहा है। सो फ्रेंड किचन लगभग क्लीन हो चुका है और अब बस ये सब अच्छे से सफाई करके उसके बाद ये सब सामान लगाना है डब्बा डुब्बी। तो हमारा क्लीनिंग का काम अभी भी चल रहा है तो थोड़ी देर बाद ही ख़त्म होने वाला है। तो लगभग हो गया ऊपर नीचे सब हो गया है। अभी बस ये टाइल क्लीनिंग करना है उसके बाद हो जाएगा सब। फ्रेंड मेरा किचन हो गया है एकदम चकाचक। तो मैंने डीप क्लीन कर लिया है। देखो ऊपर से लेके एकदम नीचे तक पूरा क्लीन कर दिया है और इस काम के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है लेकिन फाइनली मैंने क्लीन कर लिया है किचन। तो एकदम चमक गया है। तो पास से दिखाती हूँ। तो देखो चिमनी से लेके सारे कैबिनेट वगैरह जितना है ऊपर सब मैंने एकदम क्लीन कर दिया। ये देखिए मेरे माइक्रोवेवन है ये भी मैंने ऐसे से क्लीन किया है और टाइल वगैरह सब क्लीन किया है चिमनी भी क्लीन किया है। तो ये देखो चिमनी भी चमक रहा है। तो चिमनी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो ये देखो नीचे से भी दिखा रही हूँ चिमनी कैसे मैंने क्लीन किया है। तो इस तरह से मैंने आज डीप क्लीन किया है। तो दिवाली बहुत ही पास नज़दीक है तो इसीलिए किचन क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होता है।
तो अभी मैंने कोई सामान नहीं रखा है, सब अभी ऐसे ही देखो अभी क्लीनिंग करके ही रखा है। और जब मैं इसमें सारे चीज़ें रखूँगी ना तो तब मैं एक बार फिर से ब्लॉग करूँगी। तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अभी सब खाली है, अभी तो मैंने क्लीन किया है, बाद में जब मैं इसमें सारे सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी तब एक बार और ब्लॉग बनाऊँगी। ये देखिए मैंने सब आज चमका दिया है, एकदम चमक रहा है, दमक रहा है। सब फ्रेंड बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि किचन क्लीनिंग ब्लॉग करूं, तो आज फाइनली मैंने कर लिया है। और दिवाली भी आ रहा है तो कुछ ही दिनों में ही दिवाली है, तो आज मैंने फाइनली डीप क्लीन कर लिया है, मेरे किचन को एकदम दमका दिया, चमका दिया है। ये देखिए कितना शाइनिंग कर रहा है। और किचन अगर ऐसा डेली है ही रहे तो कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन यहाँ पे फिर हम लोग जब खाना बनाएंगे फिर से वही हाल होने वाला है। लेकिन अभी कुछ दिन तक ऐसे ही चमकते रहेंगे ये किचन, तो देखो कितना चमक रहे हैं। तो जब मैं सारे चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी ना तब एक बार और ब्लॉग करूँगी, ब्लॉग करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल मैंने डीप क्लीनिंग का ये ब्लॉग किया है। सो फ्रेंड फाइनली मेरा क्लीनिंग हो गया है और मैंने अपना किचन एकदम चमका दिया है। और मैं सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया था लेकिन करते करते बज गया मेरा 4, शाम 4 हो गया था। और बीच बीच में मैंने ब्रेक लिया है और मैंने खाना भी बनाई थी दोपहर का लंच, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है। लेकिन अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है पूरा किचन में ही, आज मेरा पूरा दिन गया है क्लीन करते करते। तो अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो अभी पीऊँगी मैं 1 कप चाय। तो शाम का जो है पूजा पाठ मैंने करके फिर अभी आई हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं किचन कैसे क्लीन किया है आज डीप क्लीनिंग। तो उसके बाद फिर अभी चाय पीऊँगी और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि सुबह से काम कर रही हूँ किचन में। तो अभी चाय पी के फिर थोड़ा आराम करूँगी और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। तो मेरे किचन क्लीनिंग ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय फ्रेंड, मिलती हूँ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो बाय बाय, सब लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो बाय बाय फ्रेंड।